फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक। में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, आपका जो ये पार्ट होगा दोस्तों, मैथ रेलवे के जो एनटीपीसी ग्रुप बी का मैथ्स का प्रैक्टिस है चल रहा है, ये पाँचवा पार्ट होगा दोस्तों। चौथा पार्ट मतलब चार पार्ट अपलोड कर दिए, नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। आज का पार्ट होगा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न पे है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसी प्रकार का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यही पूछेगा, इसी टाइप का भी पूछेगा क्वेश्चन। और ये चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। और जिसका एग्जाम बचा हुआ है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, भाई बहन जो भी बचे हुए जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है ग्रुप डी और एनटीपीसी का सेवंथ फेज का, आपको एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है। ऐसा नहीं है कि नोटिस आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तब हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम अब होना है, एक गारंटी है एग्जाम होगा ही, इसीलिए आपसे पहले से प्रिपेयर की हो जाइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, कि चार लगातार विषम संख्याओं को औसत 40 है, विशालतम संख्या कौन सी होगी। द एवरेज ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 40, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। चलिए देखिए यहाँ क्या होता है कि आपका जो औसत होता है ना दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। औसत जो होता है वो क्या होता है, आपको मिडिल संख्या होता है। क्या होता है आपको, वो आपका मिडिल संख्या होता है। इसका बेसिक भी बताएंगे दोस्तों, पहले इधर देख लेते हैं कम समय में, फिर हम बेसिक देखें क्वेश्चन का। तो औसत मेरा कितना है दोस्तों आपको 40, ये 40 क्या होगी आपको मिडिल संख्या होगा। हमको चार लगातार विषम संख्या, तो इससे पहले कौन संख्या हो जाएगा दोस्तों 39 विषम संख्या हो जाएगा, इसके बाद कौन होगा 41 विषम संख्या हो जाएगा, इससे पहले कौन हो जाएगा आपको 37 विषम संख्या हो जाएगा, इसके बाद कौन हो जाएगा आपको 43 विषम संख्या हो जाएगा। तो आपका कौन कौन विषम संख्या हो गया, 37, 39, 41 और 43। पूछा कि विशालतम संख्या कौन सा हो जाएगा, तो विशालतम संख्या कौन सा हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। चलिए बेसिक से देखते हैं इसको, लेट ठीक है, लेट पहली विषम संख्या देखिए क्या होगा। पहली विषम संख्या दोस्तों आपका x हो जाएगा, सेकंड विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपको x प्लस 2 हो जाएगा, थर्ड विषम संख्या क्या हो जाएगा आपको x प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सम या विषम में 2 जोड़ेंगे तो अगला और 2 घटाएंगे तो पिछला विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये हो गया फोर्थ, फोर्थ कितना हो जाएगा आपको x प्लस 6 रहेगा। बोला कि इन सभी को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया आपको 4x प्लस कितना होगा 6, 4, 10, 12। अब देखिए क्या होता है कि औसत भाव कहता है दी गई संख्याओं का योग, हम जोड़ लेते हैं बट्टे नंबर ऑफ संख्या से भागा देते हैं, 4 बराबर दिया हुआ कितना 40 दिया हुआ है। 4x बराबर कितना हो गया दोस्तों 160 में 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, कितना हो गया 4 × 3 = 12, 7 × 28। तो एक्स का मन कितना हो गया 37 हो गया। अब देखिए ये हो गया 37, ये 39, ये 41 और ये कितना हो गया 43 हो गया। देख लीजिए आपका यहाँ भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या था आपको, सी था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक घनाब की चार दीवारी का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। अब देखिए चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑक्यूपाइड कितना होता है, चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है इसका कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 2 × L + B × क्या होता है, H होता है। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल पहले से कितना दिया आपको 400 दिया हुआ है, बराबर L प्लस बी है ना। हाइट आपको दिया हुआ, हाइट या तो इधर लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हाइट इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बोला कि इसमें कि इसकी लंबाई 15 है, तो आपको चौड़ाई पूछा कितना होगा, तो ये B हो गया आपको, ठीक है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये कितना 8 × 5 = 40 हो गया, ठीक है। 50 बार में कट गया दोस्तों, 8 × 5 = 40। इसको काट दीजिए कितना कट गया, 25 बार में कट गया, बराबर कितना हो गया 15 + B हो गया। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 में से 15 घटा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, कहता कि 20% की छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2400 रुपया है, मतलब आपका डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों आपको 20% हो गया, और SP कितना आपको 2400 रुपया है, ठीक है। अब यदि डिस्काउंट हो SP हो तो MRP यहाँ से निकाल लीजिए, क्वेश्चन जो भी हो क्वेश्चन इससे आपको DSP दिया तो MRP निकालना ही है, चाहे क्वेश्चन जो भी पूछे, ठीक है। MRP कितना हो जाएगा दोस्तों 2400 × 100 आपको 100, अब बटे कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 8 × 24, 30 बार में कटेगा दोस्तों 3, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा कितना आपको 3000 हो गया। MRP कितना हो गया 3000। अब बोला कि यदि छूट 32.5% हो तो बिक्री मूल्य कितना होगा, तो आप SP निकालना हमको, जब छूट कितना हो दोस्तों, यदि आपका D कितना दिया हो 32.5%, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा दोस्तों, SP कितना हो जाएगा 3000 ×
100 माइनस 32.5, ठीक है 32.5% है, ठीक है बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये 0 0 कट गया दोस्तों, 30 इंटू कितना हो गया 100 में से 32 पॉइंट घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, चलिए 100 में से 32.5 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, ये 67 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा, और इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, इसको जैसे ही गुना करेंगे यहाँ पे आपका 100 होगा, ये 0 0 कट गया, कितना होगा 5 3 15 हो गया, 7 3 21, ठीक है 7 3 21, 21 1 22 हो गया, ठीक है 6 3 18 2 कितना हो गया 20 हो गया, 2025 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपका SP बराबर होता है दोस्तों MRP इंटू 100 माइनस डी बट्टे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है और MRP बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों SP इंटू 100 बट्टे 100 माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, डी आपको क्या है प्रतिशत आपका डिस्काउंट हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया आपको प्रतिशत छूट के आपको प्रतिशत डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 24 120 और 22 के चौथा अनुपातिक क्या होगा दोस्तों, तो चलिए इसके लिए मैं कुछ और डाटा लिखाता हूँ कि जैसे ए तथा बी का प्रथम समानुपातिक कितना होगा, ठीक है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको प्रथम समानुपातिक कितना होगा ए स्क्वायर बटे बी हो जाएगा, ए तथा बी का मध्य समानुपातिक या द्वितीय समानुपातिक कितना हो जाएगा दोस्तों 2√ a हो जाएगा, ए एंड बी ठीक है का तृतीय समानुपातिक कितना हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, अब आता है ए बी सी का चतुर्थ समानुपातिक कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा बी इंटू सी बाय क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अब ये देखिए यहाँ पे इसका क्या पूछा चतुर्थ पूछा, तो दोनों को गुना करेंगे 120 × 22 अब बट्टा कितना हो जाएगा आपको ये वाला हो जाएगा 24, ठीक है 12 × 2 = 24 हो गया, 11 × 2 = 22 हो गया, तो 110 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC और PK इन दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग सेंटीमीटर और 9 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि PQ 4 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई कितनी होगी, आपका ये क्या है आपको समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज देखिए क्या है कि दो त्रिभुज समरूप है यहाँ पे, यदि दो त्रिभुज समरूप होगा ABC PQR होगा तो इसका जो एरिया का होगा त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक है त्रिभुज ABC का एरिया बटे त्रिभुज PQR का जो एरिया होगा दोस्तों वो होगा आपको AB/PQ भुजा का अनुपातिक का होल स्क्वायर बराबर या तो कितना हो जाएगा आपको AC/ क्या हो गया PR का होल स्क्वायर हो जाएगा या कितना हो जाएगा आपको BC/QR का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है तो क्या होता है AB/PQ AC/PR BC/QR, ठीक है अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABC पहले दिया तो 36/ कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, अब यहाँ पे PQ बराबर कितना दिया आपको 4 दिया हुआ, ठीक है तो AB पूछा है कितना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो आप ये देखिए AB/ कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 2√36/9, तो ये कितना हो गया 36 × 6 हो जाएगा 9 का कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है अब देखिए ये कितना होगा 3 × 2 = 6 हो गया, तो AB का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 8 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथक ए एक काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि वे इस काम को एक साथ मिलकर करता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं दोस्तों बस दोनों का कैपेसिटी को जोड़ देना है, तो ए प्लस बी का जो क्षमता होगा दोस्तों कितना होगा 1/36 और 1/ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, LCM कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा, 1 + 12 कितना हो गया 36, 3 × 1 = 4 9 कितना हो गया 36 हो गया, 1/9 क्षमता आ गया, इसको पलट दीजिए 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया जो होता है कितना, तो 1/2 × D1 × क्या होता है D2, ये विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 हो गया 12 × कितना हो गया 14 हो गया, इसको काट दीजिए 6 बार में कटेगा 14 × 6 कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर से 2 साल में 15,000 रुपया की राशि 18,150 हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि ये दोनों को
आप क्या कीजिए, पहले आप एक बार काट लीजिए, ठीक है। रेशियो में इसको काट लेते हैं दोस्तों। इस रेशियो में काटेंगे, जैसे ही रेशियो काटेंगे दोस्तों, ये 0 0 हो गया दोस्तों। फिर कहाँ 5 से काटेंगे दोस्तों, ये कितना बार में कटेगा, 300 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 3 3 6 3 3 हो गया। आप क्या कीजिए, आप दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए दोनों को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, 11 हो जाएगा। ये बताइए 10 से कहाँ गया, 11 गया। 10 से 11 गया तो कितना का वृद्धि हो गया दोस्तों, 1 का वृद्धि हो गया। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/10 गुना कितना हो गया, 100 हो गया। इसको इसको काट दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा आपको, 10% हो जाएगा। देखिए 2 साल होगा तो क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे। 3 साल होगा तो क्या निकालेंगे दोस्तों, घनमूल निकालेंगे। 4 साल होगा तो क्या, चतुर्मूल निकालेंगे। अब देखिए उसको फॉर्मूला हम बना देते, तो इसको जो बेसिक फॉर्मूला था, तो ए बराबर कितना होता है दोस्तों, पी इंटू 100 प्लस आर बटे कितना होता है दोस्तों, 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 साल है तो 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा। तो ए कितना दोस्तों, 181 50 बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका, 15,000, ठीक है। इंटू 100 प्लस आर बटे क्या हो गया दोस्तों आपको, 100 हो गया होल स्क्वायर। इसको इधर लाइए, 181 50 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको, 15,000। ये रूट अंडर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस आर बटे क्या हो गया, 100 हो गया। तो अभी ने इसको वर्गमूल निकाल के लाए थे, कितना आया था दोस्तों, कितना आया था दोस्तों, 121 बटे कितना आया था, 100 आया था ना, 121 बटे 100 आया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 11 बटे कितना हो गया, 10 बराबर कितना हो गया आपको, 100 प्लस आर बटे क्या हो गया आपको, 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 0 कट गया दोस्तों, 11 दहाई कितना हो गया, 110 बराबर कितना हो गया, 100 प्लस आर, तो आर बराबर कितना हो गया आपको, 10% आपका आंसर हो गया। ये बेसिक था, इस फॉर्मूला से भी आप निकाला जा सकता है। यदि ये तो आपको शॉर्टकट है कम समय के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक बैग में 2 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5, 5:7 के अनुपात में 51.2 रुपया है, तो 50 पैसे में कुल संख्या कितना होगा। देखिए दोस्तों आपको पता है क्या, कि यदि सिक्का, ये सिक्का और सिक्का, ये सिक्का हो गया दोस्तों, और सिक्का को यदि हम उसके संख्या से गुना करेंगे, संख्या से गुना कर देंगे दोस्तों, हमारे पास क्या आएगा, कुल रुपया आएगा। क्या आएगा हमारे पास, कुल रुपया हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या है कि 2 रुपया 50 पैसे और क्या आपको 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनके संख्या का जो अनुपात है 3:5, 5:7 क्या आपको 7 है। इसको यदि हम, इसको किस में चेंज करना होगा दोस्तों, इसमें पैसा को चेंज करना होगा, पैसा में। ये कितना हो जाएगा आपको, 200 पैसा हो जाएगा। कितना होगा, 200 पैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5 पैसे, कितना हो जाएगा, 7x। अब देखिए संख्या है, ये संख्या को सिक्का से गुना करेंगे कुल रुपया आएगा, 200 गुना 3x करेंगे कितना होगा आपको, 600x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा आपको, ये आप 25 250x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 25 7 175x हो जाएगा, ठीक है। और सबको जोड़ देंगे, कुल रुपया हो जाएगा बैग में कितना है मेरे पास, 51.25 रुपया, और 100 से गुना करेंगे ये पैसा हो जाएगा, क्योंकि सारा डाटा पैसा में, ये भी कितना होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 6 3 8 1 9, ये हो गया 1025 आपको हो गया, 1025x बाबा कितना हो गया। इसको ये दशमलव उड़ा देंगे, आपको लीजिए 100 आएगा, ये 100 100 कट गया दोस्तों, कितना हो गया, 5125 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या कर लीजिए, 5 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 50 पैसे की संख्या कितना होगा, तो 50 पैसे को जो सिक्कों की संख्या कितना हमको, 5x है, इसको 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 25 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कि रेखा वाई बराबर -2 में बिंदु 4-3 का प्रतिबिंब क्या होगा। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4-3 इन द लाइन वाई बराबर -2। इसके देखिए कि इसको मैं बेसिक भी बता देता हूँ, और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला भी बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है दोस्तों आपको, वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो वाई इधर क्या होता, पॉजिटिव होता, इधर क्या होता, पॉजिटिव होता, वाई इधर पॉजिटिव होता है, और एक्स इधर क्या होता, नेगेटिव होता है। इधर क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई इधर क्या होगा आपको, नेगेटिव होगा। अब देखिए क्या बोला है, कि ये 4 और 3 है, मतलब हो गया आपको ये 0 होता है, 1 2 3 4, ये हो गया x का वैल्यू यहाँ पे 4, मतलब यहाँ से गिनेंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे y का वैल्यू प्रतिबिंब, y का नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 हो गया, ठीक है, ये हो गया -3। अब देखिए इसको यहाँ आगे बढ़ाइए और यहाँ बढ़ाइए, ये इसका पॉइंट हो गया आपका कोऑर्डिनेट 4 माइनस क्या हो गया आपको, 3 हो गया। अब बोला कि y बराबर -2 पे प्रतिबिंब क्या होगा, तो y बराबर -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मिरर बन जाएगा, ठीक है, ये y-2 पे मिरर हो गया, ठीक है, y-2 पे मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये आपको यहाँ पे मिरर हो गया, ठीक है। जब मिरर हो गया तो इसको जब उधर हम देखेंगे तो ये किस बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, कि यदि आप कोई भी मिरर लेते हैं, जैसे ये मिरर हो गया,
ये वाला पॉइंट हो गया तो इसका जो मिरर इमेज होगा कितना होगा, ये से हो जाएगा। ये दूर वाला वस्तु आपको कहाँ जाएगा, दूर में जाएगा, और नज़दीक वाला वस्तु क्या हो जाएगा, नज़दीक में हो जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों, ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, जब हम मिरर इमेज देखेंगे इस लाइन से मिरर इमेज देखिए हम देखेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा दोस्तों, जितना दूर इधर है उतना दूर तक जाएगा। ये -2 था, -3 था, तो एक पॉइंट इधर घसकेगा, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा ये दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए क्या है दोस्तों कि ये तो 4 तो रहेगा ही, एक्स तो 4 रहेगा ही, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, वाई कहाँ पे चल जाएगा, ये -1 पे आ जाएगा। कितना होगा -1, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है, इसको चलिए फॉर्मूला देखते हैं। यदि x बराबर m दिया हो तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों, वो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2m माइनस x हो जाएगा, ठीक है, इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए, इनटू क्या हो जाएगा, कॉमा y हो जाएगा। यदि y बराबर m हो, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, x अपने जगह रहेगा, ये हो जाएगा 2m माइनस का हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन में दिया था कि y बराबर कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना दिया हुआ, 4 -3 दिया हुआ है ना, ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया x और y, तो ये m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये m का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए है ना, तो आपका यहाँ पे x का 4 तो 4 रहेगा ही, अब हमको क्या चाहिए, 2m माइनस y चाहिए। अब देखिए 2 होगा ही, m का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे -2 हो गया, -y का वैल्यू -3 है, ये कितना हो गया, -2 * 4, ये -3 कितना हो गया, -1 हो गया। तो इसका आंसर फाइनली कितना हो गया, 4 - 1 हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका 0.25% बराबर 20 होता है, किसका, तो एक्स का, ठीक है, एक्स का, किसका मतलब हो गया, एक्स का मतलब कोई संख्या है जिसका 0.25% बराबर कितना होना चाहिए आपको, 20 होगा, तो एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स हो गया कितना हो गया, 25/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 उड़ाएंगे आपको यहाँ पे नीचे 2 और 1% का आएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपको, 25 100 हो गया, 100 हो गया तो दोस्तों कितना होगा, ये 4 * 2 = 8, 80 हो गया, अगुना 100, ये कितना होगा दोस्तों, 8 * 000 हो जाएगा, मतलब आपका 8 * 000, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हुआ कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 81 से कटना चाहिए, तो एक बार में लगेगा दोस्तों, एक बार में देखिए 81 9 * 1 = 8 * 1 हो गया, ये हो गया 9, दो बार में कटेगा दोस्तों, 8 * 2 = 2 हो गया, 8 * 2 = 16 हो गया, 162 हो गया, 2 * 2 = 7 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है, 8 * 3 = 24 बार में लगेगा, 3 हो गया, 8 * 3 = कितना हो गया, 24 हो गया, 9 * 3 = 6, 7 * 4 = 3, 36 से बच रहा है। अब देखिए 81 से विभाजित नहीं हो रहा किसके कारण, 36 कारण, 36 को घटा दीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 999 में 36 घटा दीजिए दोस्तों, ये कितना होगा, 9 * 6 हो गया 3 हो गया, 9 * 3 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो जाएगा, 9 * 3 कितना हो गया आपको, 6 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 9963 ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन, यदि ए बराबर 2b = 4c हो, तो ए बी सी का जो रेशियो होता है वो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1/a के साथ जो गुना होगा, नहीं गुना है तो 1 हो गया, 1/2 जो बी के साथ गुना होगा, 1/2 जो सी के साथ गुना होगा, हर कैल्शियम मिले दोस्तों 4 आएगा, सब में 4 से गुना कर दीजिए, 4 हो गया, 2 * 2 = 4 हो गया, 1 हो गया, 4 * 2 = 1 रेशियो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण आपको कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, और ये होता कितना, √2a कितना हो गया, 10 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 10/√2 हो गया, तो पूछा है इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 10/√2 तो ऑप्शन नहीं है, तो √2 से ऊपर नीचे आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो गया दोस्त, 10√2 / कितना हो गया 2 काट दीजिए, कितना हो गया 5√2, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटकोण का क्षेत्रफल कितना होगा, ये समखष्टभुज भी कहा जाता है इसको, समखष्टभुज, ठीक है, समखष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है आपको 6 * √3/4 * भुजा का होल स्क्वायर होता है। किसी भी समखष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, 6 * जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही होता है, 6 * ये हो गया √3/4, भुजा कितना दिया हुआ, 6 * 6 हो गया,
दो दो चार तीन दो छः दो तिया छः हो गया, तीन तिया नौ छः का 54√3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा की आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था, तो आर की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए इसका वर्तमान आयु 6x, इसका कितना हो 7x, 12 साल पहले, 12 साल पहले दोनों का कर देते हैं, अब 12 साल पहले कितना था अनुपात 9:11, ये 9:11 हो गया, दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए कितना हो गया 11666x हो गया, माइनस कितना हो गया दोस्तों, तो गुना करेंगे 132 आ जाएगा, बराबर कितना होगा 9/63 हो गया, और 12/9 108 हो गया, ठीक है 12/9 कितना हो गया 108 हो गया। अब देखिए 66x-63x बराबर -108 प्लस कितना हो गया 132 हो गया, ये कितना होगा दोस्तों 3x हो जाएगा। अब 132 है दोस्तों, यहाँ पे 8 है ना, कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा, 3 8 है कितना हो गया 24 हो गया दोस्तों, एक्स का मान कितना हो गया 8 हो गया। पूछा कि आर की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यह आर की वर्तमान आयु ये होगा ना 6×8 कर देंगे कितना हो गया 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए ए बराबर √5 + 1/√5 - 1, बी बराबर √5 - 1/√5 + 1, देन वैल्यू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे क्या दिया हुआ दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत पहले भी बहुत जल्दी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फार्मूला लिखाया है आपको, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला कितना है दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। चलिए पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और पहले से यहाँ पे एक ab है तो प्लस ab हो गया, बट्टे कितना होगा दोस्तों, नीचे भी फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और पहले से माइनस ab है तो माइनस ab हो गया। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस 2b प्लस ab कितना होगा माइनस ab, और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab कितना होगा माइनस 3ab हो जाएगा। हमको क्या क्या चाहिए, ab चाहिए और ए प्लस बी चाहिए। अब देखिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा दोस्तों, आसानी से है ये, इस क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस किए हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि हम इस वीडियो का यदि हम बनाते हैं टाइम लग जाता है। देखिए ये आपको इसका कितना हो जाएगा, इसका उल्टा आपका ये है, ये वाला पार्ट का उल्टा ये है, ये कितना होता है 2 × a + b, मतलब ये 5 + 1/5 में से गया 4 हो गया, कितना हो गया 5 × 1 = 6 × 12 = 12/4 कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा। तो अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना निकला 3 निकला। अब यदि हम दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों, यदि हम ये दोनों को, ये प्लस वाला निकला, यदि हम गुणा करेंगे तो ये वाला पार्ट ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, मतलब a × b बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना 3, 3 × 9 माइनस कितना हो जाएगा 1, 3 × 9 प्लस माइनस 3 हो गया, तो 8/ कितना हो गया आपको 6 हो गया, काट देंगे 4/3 में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी में। इसका वीडियो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, नहीं देखें तो आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कहता है कि x^4 + 1/x^4 = 119 हो, तो x³ - 1/x³ का मान कितना होगा, यह मान कितना हो, तो x - 1/x का क्या होता है होल क्यूब प्लस 3 × x - 1/x होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले हमको सॉल्व करना होगा, यदि आपको बड़ा पावर से छोटा पावर जाना होगा, दोनों साइड हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, 1/x (x^4 + 2) कितना हो जाएगा आपको 121 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला निकलेगा a²b² + 2ab हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x²+1/x² का होल स्क्वायर, बाबा कितना हो जाएगा आपको 121 हो गया, तो x²+1/x² बाबा कितना हो गया आपको 11 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट इधर जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, तो कितना बन गया 11 बन गया। अब देखिए यहाँ तक छोड़ देते हैं, अब हमको चाहिए क्या चाहिए, x - 1/x चाहिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए कितना होगा x²+1/x² - 2। अब देखिए इसका वैल्यू आपको कितना आया है, यहाँ पर 11 आया है, 11 - 2 बराबर कितना हो गया 9 हो गया, तो x - 1/x बराबर कितना होगा √9 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x - 1/x का मान 3 आ गया, 3³ + 3 × कितना हो गया 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 27 + 9 कितना हो गया आपको 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि x/10 = 15 तो x²+1 x²+1/x² का मान कितना होगा, इसका वैल्यू कितना दोस्तों x+1/x का
होल स्क्वायर माइनस कितना होता है दोस्तों, दो होता है। अब देखिए टेन पंद्रह का डिग्री आपको दो टाइप से निकाल सकते हैं। टेन पंद्रह डिग्री का मान होता है दोस्तों, एक होता है टू माइनस रूट थ्री होता है, एक होता है आपको रूट थ्री माइनस वन बटे कितना होता है रूट थ्री प्लस वन होता है। ठीक है, आपको जो तरीका से निकालना है निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका या तो इस वैल्यू से निकाल या तो इस वैल्यू से निकाले, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये x का वैल्यू हो गया, तो x प्लस वन बटे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया रूट थ्री माइनस वन बटे रूट थ्री प्लस वन, इसको प्लस देंगे रूट थ्री प्लस वन बटे रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, आपको पता है कि इसका अपोजिट यदि ये हो प्लस में हो, इसका जो आंसर होता है टू इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तीन माइनस आपका एक, मतलब ये जो रूट होगा ये ए हो गया ये बी हो गया। ठीक है, तीन एक चार दूनी आठ, आठ बटे दो कितना हो गया आपको चार हो गया, तो चार का बिल यहाँ रख दिए, चार का माइनस दो सोलह माइनस दो कितना हो गया आपको चौदह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस वैल्यू से बनाइएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए कहता कि तीन घन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि तीन घन जिसकी भुजाएं आठ सेंटीमीटर छः सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक घन तैयार किया गया, इन घन का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा घन का जो आयतन होगा कितना होगा, बड़ा घन का आयतन जो होगा दोस्तों, बड़ा घन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये तीनों घन का, तीनों घन का आपका जोड़ देंगे आयतन तो आपका बड़ा घन का आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन कितना होता है दोस्तों, आपको एक क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पहला घन का आठ क्यूब, दूसरा घन का छः क्यूब और तीसरा घन का वन क्यूब। ठीक है, तो ये बड़ा घन का आयतन मान लेते हैं ए भुजा है तो एक क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो गया आठ का पाँच सौ बारह हो जाएगा प्लस छः का दो सौ सोलह हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, एक क्यूब बराबर कितना हो गया आपको सात सौ उनतीस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना होगा थ्री टू टंडर कितना हो गया सात सौ उनतीस हो गया, सात सौ उनतीस का घनमूल कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको आयतन पूछा मतलब क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल कितना हो दोस्तों, एरिया जो होता है इसका कितना होता है आपको सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, तो छः गुना नौ इक्यासी कितना हो जाएगा छक्का छः 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 अड़तालीस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा छः सौ छियासी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता कि एक से पचास तक कितनी संख्याएं लिखने में कुल अंकों का प्रयोग किया गया है। तो ये बताइए दोस्तों कि एक से लेकर नौ तक कितना अंक हो गया, एक अंक वाला हो गया, और दस से लेकर कितना हो दोस्तों आपको पचास अंक तक कितना हो गया, दो अंक वाला हो गया। तो एक अंक वाला कितना हो जाएगा आपको नौ गो हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपको नौ पीस हो गया। ठीक है, गुना करेंगे एक अंक वाला नौ गो है तो नौ पीस हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो हम ले लिया है, इसको नौ इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों इकतालीस हो गया। इकतालीस जो बचा है दोस्तों, ये इकतालीस जो पीस है जो डिजिट की संख्या है इकतालीस, ये क्या अंक वाला है दो अंक वाला है, दो से गुना करेंगे आपको दो दो चार दो नहीं आठ। ठीक है, ये हो गया आपको नौ दो ग्यारह आठ नौ इक्यानवे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी संख्या को दो सौ छियानवे में भाग देने पर शेषफल पचहत्तर प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को सैंतीस से भाग दिया जाए शेषफल कितना होगा। यदि इसी के गुणनखंड से भागा दिया जाए तो आपको शेषफल में भी भाग दे देना है, सैंतीस से ही भाग दे देना, मतलब भाग शेषफल में ही भाग देंगे वही आंसर हो जाएगा। सैंतीस दूनी कितना होगा आपको चौहत्तर हो जाएगा, शेष कितना बचेगा एक बचेगा, ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जब 0.4 साइन पे रेक्रीन को भिन्न के रूप में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। अब देखिए 0.4 क्या होगा आपका 4.7 पे रेक्रीन, तो भिन्न में बदलने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर में क्या करेंगे टोटल संख्या ले लीजिए बिना आवर्त बिना दशमलव को, सैंतालीस हो गया, उसके बाद क्या करेंगे बिना दशमलव मतलब आपका बिना आवर्त वाला संख्या ले लेंगे आपका कितना हो गया जीरो, घटा देंगे इसमें टोटल में से बिना आवर्त वाला संख्या को घटा देंगे, और नीचे क्या देखेंगे दशमलव के बाद जितना डिजिट पे आवर्त होगा उतना नौ लिखेंगे, दो डिजिट पे आवर्त उतना नौ लिख लिए, यदि आपका नहीं रहता उतना जीरो लिखते, कितना हो गया सैंतालीस बटे आपका निन्यानवे आपका क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे सैंतालीस बटे निन्यानवे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 999 998 बटे 99 गुना 99 कितना होगा। चलिए देखिए कितना हो गया 999 98 बटे कितना है 99 गुना कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसको गुना करते हैं, इसको ऐड करेंगे, है ना, 999 गुना कितना हो गया 99 प्लस कितना हो गया 98 बटे कितना हो जाएगा 99 गुना कितना हो गया 99, ये दोनों कट गया तो सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को कैसे गुना करेंगे ये देख लीजिए 99 हो गया, ये 99 को यहाँ पे लिख लीजिए और 000 बैठा दीजिए, 1000 से कितना कम है एक कम है, इसको गुना करके इसमें घटा दीजिए, जैसे ही घटा दीजिए कितना हो जाएगा आपको 10 में से 9 हो गया एक हो गया जीरो हो गया, यहाँ पे कितना बचा 9 यहाँ बचा 8 यहाँ बचा 9, इसमें आप कितना जोड़ देंगे दोस्तों आपका ये 98 जोड़ देंगे, 98 जोड़ दीजिए 8 एक 9 9 9 8 8 ये 98 999 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन है कि 3 पे पावर कितना दोस्तों, 25 प्लस 3 पे पावर 26 प्लस 3 पे पावर 27 प्लस 3 पे पावर 28 किससे विभाजित होगा। तो छोटा पावर आप कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 3 पे पावर 1 बचेगा, यहाँ 3 पे पावर 2, यहाँ पे 3 पे पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। ये हो गया 3 पे पावर 25, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 = 9 होते क्या हो गया 27 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 27 × 9 = 36, 36 × 3 = 39, 1 कितना हो गया 40 हो गया, 3 पे पावर 25 गुना कितना हो गया 40 हो गया। अब ये बताइए दोस्तों कि 40 किसी से कटेगा यहाँ पे, नहीं है, तो नहीं है, तो आपको क्या कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों क्या कीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 = 24 × 3, ठीक है, अब गुना कितना हो गया 40 हो गया, 40 तक कितना हो गया 120, 120 हो गया, 120 किससे कटेगा दोस्तों, से कट जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस टाइप को आपको बनाने के लिए भिन्न का जोड़ सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, ये देखिए एक प्लस बेसिक तरीका से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, यदि आपका एक एक रिपीट हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिख लीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया 2 3 लिख लेंगे, एक गिनी कितना बार 1 2 3 4 5 खटाल बना दीजिए, 1 2 3 4 5 बना दीजिए, इसको जोड़ के इसमें आगे लिख दीजिए 5 5 में 3 जोड़ दीजिए 8, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे 13 13 में 8 जोड़ेंगे 21 21 में 13 जोड़ेंगे कितना हो गया 3 × 1 = 4 2 × 1 = 3 = 34 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 34/ आपका क्या हो जाएगा, आपको 21 आपका आंसर हो जाएगा 34/21, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से बनाते हैं, 169 का वर्गमूल कितना हो गया 13 13, इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो गया 121, फिर 121 का वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्तों कितना हो गया 11 11, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 1 9 3 1 4, फिर 49 का वर्गमूल निकाले इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया आपको 64 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे कितना हो गया 8 8 8 16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 20 79 तथा उनका मौसो 27 है, यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा। आपको पता है दोस्तों कि एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर कितना होता है, आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, एलसीएम कितना दोस्तों आपको 20 79 है और एचसीएम कितना है 27 है, एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या पता नहीं कितना होगा, मान के चलिए ये आपका, ठीक है, ये कटेगा 9 × 2 = 18 21 9 × 3 = 27 3 × 7 = 21 हो गया, ठीक है। अब इसको 7 से ये काट दीजिए, 7 × 2 = 14 हो गया, 6 बचा 7 × 9 = 63, 4 बचेगा 7 × 7 = 49, 297 आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो गति बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों आपको, दूरी बटे आपको समय होता है, तो दूरी कितना दिया हुआ 125 मीटर दिया है और 30 सेकंड लेता है, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया ना, इसको हमको इसमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में बदलना है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा दोस्तों 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया आपको 3 × 6 = 18 हो गया, ये कितना हो गया आपको 25 × 5 = 1,250 हो गया, 25 × 5 = 10 हो गया, 2 × 3 = कितना हो गया 6 हो गया, 5 × 3 = 15 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आपको NTPC में बहुत बार पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन 17.33 आवर को चेंज करना आपको आवर मिनट सेकेंड में, सबसे पहले क्या करेंगे कि 17 33/ कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, 100 से भागा दे दीजिए 17 33 में, कितना बार में लगेगा दोस्तों 17 बार में लगेगा, तो 1700 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो गया 33 हो गया, तो इसको लिखेंगे 17 पूर्णांक 33/ कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये पूरा पूरा घंटा हो गया, तो इसको एक पूर्णांक वाले को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये तो 17 घंटा हो गया, ठीक है। अब बचा 13/ ये कितना बचा दोस्तों 13/100, ये क्या है मिनट घंटा है, इसको 60 से गुना करेंगे मिनट में चेंज हो जाएगा, ये कटेगा 5 × 10 3 × 6 हो गया 33 होगा दोस्तों, यहाँ पे 33 है, 33 कितना हो गया 99/ कितना हो गया 5 हो गया, तो ये मिनट में हो गया दोस्तों, आप 5 से 99 में भागा दे दीजिए कितना हो गया 19/ कितना हो गया 95 हो गया, बटे कितना हो गया 4, 19 × 4/5, तो ये पूरा का पूरा मिनट हो गया, तो 19 को बाहर निकाल लीजिए, तो 19 मिनट हो गया दोस्तों। अब बचा कितना 4/5 मिनट बचा, इसको 60 से गुना कर दीजिए 12 × 5 = 7 12 × 4 = 48 सेकेंड आपका आंसर हो गया 17 घंटा 19 मिनट 48 सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।